Uh, इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 18 पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 18 है इसका सेक्शन है 18.6। टॉपिक uh, का नेम है रिग्रेशन ठीक है ये हमारा एडवांस टॉपिक है दैट इज चैप्टर नंबर 18, सेक्शन 18.6 एंड टॉपिक नेम इज़ रिग्रेशन ठीक है लर्निंग फ्रॉम एग्जाम्पल चैप्टर का नाम है चैप्टर एटीन उसका नेम है लर्निंग फ्रॉम एग्जाम्पल्स इसमें हमने टॉपिक एक पढ़ना है दैट इज़ रिग्रेशन और इस चैप्टर की जो आउटलाइन है वो ये है कि हमने एक रिग्रेशन मॉडल डिफाइन करना है एक रिग्रेशन मॉडल डिज़ाइन करने के लिए जो स्टेप्स हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे देन uh, रिग्रेशन के जो कॉफिशेंट्स हैं उनको कंप्यूट किस तरह से किया जाता है बाय यूजिंग एग्जांपल हम इसको देखेंगे और फिर हम मॉडल uh, एजम्शंस या हम प्लॉट किस तरह से करके और एज्यूम या जम्शन के साथ से कंप्यूट करते हैं ये देखेंगे ठीक है और इसके बाद रिलेशनशिप हमने आइडेंटिफाई करना है बिटवीन वेरिएबल्स बाय यूजिंग रिग्रेशन इस चीज़ को हम आइडेंटिफाई करेंगे सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात करेंगे रिग्रेशन मॉडल्स की रिग्रेशन uh, मॉडल्स हमारे पास कौन कौन से हैं ठीक है रिग्रेशन मॉडल्स uh, हमारे पास टू uh, टाइप्स के होंगे एक हमारे पास होगा लीनियर सिंपल लीनियर और एक मल्टीपल अच्छा सिंपल में हमारे पास एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल होता है ठीक है और मल्टीपल मल्टीपल का एज अ नेम एम्प्लॉयज मतलब हमें नेम से अंदाजा हो रहा है कि इसमें मोर देन वन वेरिएबल होंगे तो अगर हमारे पास मल्टीपल में टू एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है तो रिग्रेशन मॉडल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं पहला पार्ट जो है वो हमारे पास सिंपल आएगा या दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं एक सिंपल होगा और एक मल्टीपल होगा ठीक है सिंपल में एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है और मल्टीपल में टू प्लस एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं Uh, अब सिंपल में फर्दर कैटेगराइजेशन है दैट इज लीनियर और नॉन लीनियर लीनियर का मतलब एज द नेम एम्प्लॉय लीनियर का मतलब ये है कि जिसमें एक्स की पावर वन होगी अब रिग्रेशन में हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं एक एक्स होता है एक वाई होता है तो अगर एक्स की वैल्यू वन आ रही होगी तो उसको हम कहेंगे दैट इज लीनियर और अगर एक्स की वैल्यू जो है वो टू है थ्री है फोर है या कोई और वैल्यू है एक्स की जो पावर है एक्स की पावर जो है वो वन के अलावा कोई और है तो उसको हम नॉन लीनियर कहेंगे ठीक है तो नॉन uh, लीनियर में क्वाड्रेटिक भी आ सकती है क्यूबिक भी आ सकती है तो सिंपल रिग्रेशन जो है वो फर्दर कैटेगराइज हुई है, है, हुई है इंटू लीनियर एंड नॉन लीनियर सिमिलरली जो मल्टीपल रिग्रेशन है वो डिवाइड हुई है इंटू लीनियर एंड नॉन लीनियर लीनियर और नॉन लीनियर का पर्पज़ सिर्फ यहाँ पर यह है कि अगर एक्स की पावर वन है तो आप इसको एज्यूम करेंगे दैट इज लीनियर और अगर एक्स की पावर वन के अलावा कोई और है दैट इज टू थ्री और फोर कुछ भी है तो उसको आप कहेंगे दैट इज नॉन लीनियर तो ये रिग्रेशन के जो मॉडल्स हैं वो दो तरह के हैं सिंपल और मल्टीपल सिंपल में एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है और मल्टीपल uh, में मोर दैन वन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है फिर हम उसको फर्दर कैटेगराइज करेंगे इंटू लीनियर एंड नॉन लीनियर तो अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे दैट इज सिंपल लीनियर ठीक है सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होती है लीनियर रिग्रेशन मॉडल हमने डिज़ाइन करना है जो हमारा इस लेक्चर में हम कवर करेंगे दैट इज सिंपल लीनियर रिग्रेशन ये वाला पोर्शन हम लीनियर रिग्रेशन के बारे में आ, पढ़ेंगे ठीक है अब लीनियर रिग्रेशन पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए वट आर लीनियर इक्वेशन तो लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें एक्स की पावर वन होती है जस्ट लाइक दिस वन ठीक है अब इसमें अगर आप एक्स देखें तो एक्स की पावर वन है तो आप इसको लीनियर इक्वेशन कहेंगे एक्स जो है वो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है y को आपने डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों कहा बिकॉज y की वैल्यू हम हमारे पास आएगी जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे उसके बाद तो x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स जो है इंडिपेंडेंट और y जो है वो डिपेंडेंट है अच्छा m यहां पर स्लोप है और b दैट b जो है वो y इंटरसेप्ट है तो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन अगर इस तरह की होगी तो जब हम इसको प्लॉट करते हैं तो वो इस फॉर्म में प्लॉट बनता है ठीक है एक सिंपल लीनियर इक्वेशन को अगर हम प्लॉट करें जिसमें वाई एक्स है एक्स के साथ जो लिखा होगा उसको आप हमेशा स्लोप कहेंगे, और बी जो है वो हमारे पास वाई इंटरसेप्ट है तो स्लोप क्या है चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स इसको आप स्लोप कहेंगे और वाई इंटरसेप्ट यहाँ पर मैंशन है इसको हम वाई इंटरसेप्ट कहेंगे सो ये बेसिक फिनोमोना है लीनियर इक्वेशन का अब हम इसी से डिराइव करेंगे अवर लीनियर रिग्रेशन मॉडल ठीक है तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल आता है दैट इज टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई इनके दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करना है तो इसके लिए आप लीनियर रिग्रेशन मॉडल डिजाइन करते हैं अब रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल इज अ लीनियर फंक्शन ठीक है है, इसमें ये इक्वेशन है अगर आप देख सकते हैं जो अभी हमने लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है दैट इज क्वाइट 12वेलेंट विद आवर लीनियर रिग्रेशन मॉडल ये जो इसकी इक्वेशन बनी हुई है ये और जो हमने इक्वेशन अभी देखी है दोनों बिल्कुल सेम है मतलब इसमें इसके जो कोफिशिएंट्स हैं ऑलमोस्ट सेम है तो इसलिए हमने पहले लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा गया लीनियर इक्वेशन होती क्या है उसे हमने डिराइव करना है लीनियर इग्रेशन का मॉडल अच्छा अब इसमें वाई जो है मैंने आपको बताया था दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों कहेंगे क्योंकि हमें वाई की वैल्यू उस टाइम पर मिलेगी जब हम एक्स की वैल्यू पुट करते जाएंगे ठीक है और एक्स की वैल्यू जो है वो इंडिपेंडेंट है लाइक like जो भी गिवन वैल्यूज होंगी और, और वो किसी वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं करती इसलिए हम इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे या इसको आप एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी कह सकते हैं ठीक है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल अभी हमने जो स्टार्ट में पढ़ा है में वेरिएबल क्या होते हैं या वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं अब बीटा नॉट जो है वो वाई इंटरसेप्ट है ठीक है आ, बीटा नॉट पर वाई इंटरसेप्ट है और बीटा वन क्या है एक्स के साथ जो भी लिखा होगा उसको आप कहेंगे स्लोप तो अब यहां पर अभी हमने पीछे देखा था कि एक्स के साथ लिखा हुआ था एम तो इसको हमने स्लोप कह दिया अब यहां पर देखें एक्स के साथ बीटा वन लिखा है तो इसको आप कह देंगे स्लोप जस्ट रिप्रेजेंटेशन चेंज है बाकी कॉन्सेप्ट इसमें सारा वही है और ई आई का मतलब है एरर जो जनरेट होता है मॉडल में उसको आप साथ में सम अप करते हैं ठीक है तो ये लीनियर रिग्रेशन मॉडल के लिए जो इक्वेशन आप डिफाइन करते हैं वो ये बेसिक इक्वेशन है फॉर लीनियर डिग्रेशन मॉडल इसके अंदर एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है या एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसको आप कहेंगे दैट इज लीनियर डिग्रेशन मॉडल इसका आगे प्लॉट बनाया हुआ है जिस तरह अभी हमने लीनियर इक्वेशन का प्लॉट पढ़ा था ना इसी तरह से अब हमने इस इक्वेशन का प्लॉट देखना है वो क्या है अच्छा अब इसमें ये जो सर्कल्स बने हैं ये ऑब्जर्वेशन का ग्राफ है ठीक है ऑब्जर्वेशन का ग्राफ है ठीक है और इसके ऊपर हमने ये इंटरसेप्ट बनाया देखिये यहाँ पर बीटा नॉट जो है दैट इज इंटरसेप्ट और आ, इसमें स्लोप क्या है यहाँ पर स्लोप कम्प्यूट कर दिया इक्वेशन हमारे पास यही वाली है जो भी हमने पढ़ी है वाई इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई प्लस एक्सल आई ठीक है तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी और इसमें अब ई आई किस तरह से कम्प्यूट करते हैं ई e आई होता है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड प्रिडिक्टेड वैल्यू इन दोनों के दरमियान जो आप डिफरेंस निकालेंगे दैट विल बी एरर अब ये यह ऑब्जर्व यहाँ पर देखें ये जो सर्कल है रिप्रेजेंट ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ वाई फॉर एक्स आई वाई की वैल्यू जब हमने एक्स की वैल्यू पुट की तो उसके बाद जो हमारे पास वाई की वैल्यू आई है ये ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ वाई आई ठीक है यहाँ पर ऑब्जर्व ये जो जितने भी सर्कल्स बने हुए हैं दे रिप्रेजेंट द ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन सैंपल डाटा गिवन होता है ये उसको पॉइंट करें और ये जो लाइन बनी है ये हमने प्रिडिक्शन या प्रिडिक्टेड वैल्यू लाइन बनाई है तो इसलिए यहाँ पर इसे क्या कहा वाई फॉर एक्स आई तो ये प्रिडिक्टेड वैल्यू प्रिडिक्टेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू या ऑब्जर्व वैल्यू ठीक है एक हम प्रिडिक्ट करेंगे और एक हमें हमें पहले से गिवन होगी जिसको हम ऑब्जर्व वैल्यू कह सकते हैं तो ऑब्जर्व वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू के डिफरेंस फाइंड करेंगे अब इतना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तो वो हमारे पास एक एरर टर्म जनरेट होगी और रैंडम एरर फॉर द एक्स आई वैल्यू स्लोप यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई है और इंटरसेप्ट क्या होता है इनके बीटा नॉट आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे ये बीटा नॉट है और स्लोप जो है वो ये वाली है बीटा वन रिप्रेजेंट करिए बीटा वन को तो ये हमारे पास स्लोप आ जाएगी और ये इक्वेशन जो है वो इस वाले ग्राफ को सेटिस सेटिस्फाई करती है यानी कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की जो इक्वेशन है वो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो है वो बनी हुई है ठीक है या उस उस इक्वेशन का जो हम ग्राफ बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं पॉपुलेशन क्या होता है सैंपल क्या होता है और रिग्रेशन मॉडल में हम उसको किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं इसके बारे में बताया गया है पॉपुलेशन आपके पास होल डाटा होता है यानी कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन आपके पास गिवन होती हैं उसको आप कहेंगे दैट इज़ पॉपुलेशन अगर आपके पास थाउजेंड का रिकॉर्ड है या थाउजेंड ऑब्जर्वेशन है तो आप कहेंगे हमारे पास एक पॉपुलेशन है ऑफ थाउजेंड ऑब्जर्वेशन ठीक है और इसमें से अब इस, इस, इस इसके इसके अंदर देखें कितने सारे वेरिएबल्स ये जो हैं ये रिकॉर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ठीक है इसमाइल वाले जो सिमिली है तो अब इसके अंदर इसके अंदर इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं इतनी सारी ऑब्जर्वेशन है बट वी डोंट नो द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स तो जो पॉपुलेशन होती है आपके पास थाउजेंड का रिकॉर्ड है या आपके पास हंड्रेड uh, में रिकॉर्ड है तो अनऑर्डर्ड ना ही वो ऑर्डर्ड होता है और ना ही वो अरेंज होता है और हमें उसके दरमियान रिलेशनशिप भी नहीं पता होता अबंग वेरिएबल्स वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप भी अननोन होता है तो जो पॉपुलेशन होती है वो हमारे पास बेसिकली रॉ डाटा होता है जितना भी डाटा है उसको आप कहेंगे दैट इज योर पॉपुलेशन अब अब बारी आएगी सैंपल की सैंपल क्या होता है हमारे पास जितनी भी होल पॉपुलेशन होती है उसका एक सबसेट या उसका एक पार्ट आप पिक करते हैं उसको आप कहेंगे दैट इज रैंडम सैंपल रैंडम सैंपल हमने इसलिए कहा बिकॉज हम रैंडमली पिक करेंगे कुछ ऑब्जर्वेशन उनको आप अलग कर लेंगे और फिर आप इसके ऊपर अपना मॉडल या एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश या आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स तो पॉपुलेशन में से आपने पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन या चंक ऑफ ऑब्जर्वेशन रैंडमली रैंडमली आप सेलेक्ट करेंगे आप पिक करेंगे और उसको आप अलग रख देंगे जिसको आप कहेंगे दैट इज रैंडम सैंपल ठीक है तो अब इस रैंडम सैंपल के ऊपर आपने रिग्रेशन मॉडल अप्लाई किया और फाइंड किया कि आइदर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल और नॉट तो अब जब आपने रैंडम सैंपल के ऊपर रिग्रेशन अप्लाई की तो जो हमारे पास रिग्रेशन की इक्वेशन बनी वो क्या बनी यही वाली इक्वेशन है जो हमने पॉपुलेशन के लिए अप्लाई की लेकिन अब ये सैंपल के ऊपर अप्लाई हुई तो हमने इसके ऊपर जरा चेंज करने के लिए या इसको दूसरी इक्वेशन के साथ डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने हैट अप्लाई कर दिए लिखा हुआ है अब देखें ये डाटा के लिए जो इक्वेशन थी थी वो बस जब आपने इसको सैंपल के ऊपर अप्लाई किया तो वो ई आई का हैट बन जाएगा मतलब इसको हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया टू अ है और ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है that means it is, uh, related with population. एस्टिमेशन प्रोसेस होता क्या है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एक रिग्रेशन मॉडल है क्या और इसकी इक्वेशन क्या है और इसके अन पैरामीटर्स अब रिग्रेशन मॉडल की जो इक्वेशन है वो ये थी y इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स और uh, एरर ठीक है इसमें वाई जो है वो हमें पता है कि दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बीटा वन स्लोप है बीटा नॉट वाई इंटरसेप्ट है और ई स्टैंड फॉर एरर तो रिग्रेशन इक्वेशन को हमने एज अ फंक्शन जब हम डिफाइन करते हैं जब फंक्शन अप्लाई कर दिया ई ऑफ वाई लिख दिया तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ये मॉडल था और ये जब हमने अप्लाई किया अपना मॉडल किसी भी डाटा के ऊपर तो ये फंक्शन बन जाएगा तो ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है अब इसमें अननोन पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? अननोन पैरामीटर हैं बीटा नॉट और बीटा वन बीटा नॉट जो है वो वाई इंटरसेप्ट और बीटा वन है स्लोप ये अननोन पैरामीटर है तो इस सिक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें ये दो पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है ठीक है इसके बाद हमारे पास एक डाटा भी गिवन है जिसको आप कहेंगे सैंपल डाटा जिसमें ऑब्जर्वेशन गिवन है एक्स की भी गिवन है वाई की ऑब्जर्वेशन भी गिवन है इसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन अब इसको हमने एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन कहा है उसका मतलब क्या होता है एस्टिमेटेड का मतलब यह है कि जब हमने इस डाटा के ऊपर ये सैंपल डाटा है ठीक है ये पॉपुलेशन नहीं है पॉपुलेशन एक अलग डेटा है अगर पॉपुलेशन के लिए आप ये इक्वेशन लिखेंगे तो आप ये ओरिजिनल वाली इक्वेशन लिख देंगे जब हमने सैंपल के ऊपर अप्लाई की तो हमने हैट ऐड कर दिया वही वाली इक्वेशन है जस्ट uh, ये हैट रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने सैंपल डेटा के ऊपर अप्लाई किया है तो एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन आएगी बी नॉट प्लस बी वन एक्स और सैंपल स्टेटिस्टिक जो है हम बी नॉट और बी वन को कंप्यूट करनी है ठीक है रिग्रेशन इक्वेशन बन जाएगी और ये सैंपल में हमने इन दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड करना है जब हमारे पास b नॉट b1 हम कंप्यूट कर लेंगे तो वो हम रेफर करेंगे दैट इज टू बीटा नॉट और बी वन जब हम रिग्रेशन कॉफिशियंट फाइंड करेंगे तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि बीटा नॉट और बीटा वन जो है वो b नॉट और b1 को रिप्रेजेंट करें तो वो हमें एक एस्टिमेट केवन हो जाएगा उस एस्टिमेट से हम बाकी पॉपुलेशन को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं या उसके

तो ये एक कंप्लीट एस्टिमेशन प्रोसेस है इसको हम फॉरकास्टिंग प्रोसेस भी कहते हैं या प्रिडिक्शन प्रोसेस भी कहते हैं कि हमने प्रिडिक्शन करनी होती है या फॉरकास्टिंग करनी है या एस्टिमेट करना है तो ये इस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे दैट इज एस्टिमेशन प्रोसेस या प्रिडिक्शन प्रोसेस और फॉरकास्टिंग नेक्स्ट पॉपुलेशन है लीनियर एग्रेशन मॉडल के लिए uh, एक डायग्राम uh, बनी हुई फिगर या प्लॉट बना हुआ है हम किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं तो ये बिल्कुल जैसे भी हमने पहले पढ़ा था ई ऑफ वाई जो है पिछले इक्वेशन में हमने देखा यहाँ पर ई e ऑफ वाई क्या फंक्शन है तो हम इसको इंटरप्रेट किस तरह से करेंगे ये जो सर्कल्स बनी है ये ऑब्जर्व वैल्यूज है यानी कि जो हमारे पास गिवन डाटा है उसको हम स्केटर प्लॉट बनाएंगे और ये प्रिडिक्टेड डाटा का हमने इंटरसेप्ट कंप्यूट किया यहाँ पर इसको हम कहेंगे दैट इज वाई इंटरसेप्ट एरर क्या होता है एरर होगा डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड ऑब्जर्व अब ये ऑब्जर्व वैल्यू सर्कल है और ये एक्चुअल वैल्यू है इन दोनों के दरमियान हाँ, डिफरेंस जो हम कंप्यूट करेंगे उसको हम एरर के टर्म में पुट कर देंगे ठीक है तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं तो आ, अगर जो है वो हमारे पास अन अब यहाँ पर देखें दैट इज सिमिलर टू प्रीवियस ग्राफ अगर ये जो सर्कल बने हुए हैं ये ऑब्जर्वेशन है फॉर सैंपल डाटा और अगर हमने इसी के अंदर ऐड कर दिया अनसैम्पल ऑब्जर्वेशन तो उसके लिए हॉलो सर्कल बने हुए हैं और रैंडम एरर क्या डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड प्रिडिक्टेड अब यहाँ ये जो लाइन बनी हुई है ये प्रिडिक्टेड है और ये एक्चुअल है, है, है इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आएगा इसको हम कहेंगे ई आई और ये जो रिप्रेजेंट करिए दैट इज अनसैम्पल ऑब्जर्वेशन तो ये रिग्रेशन का फिनोमेना था जो अभी हमने देखा है रिग्रेशन होती क्या है रिग्रेशन की इक्वेशन क्या है उसके कॉफिशेंट्स क्या, क्या होते हैं टाइप्स कौन सी हैं और उसको हम इंटरप्रेट किस तरह से करते हैं